संविदा शिक्षकों का कल्याण होने जा रहा है, चुनाव से पहले समाधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आप शिक्षा विभाग से संबंधित हर वो खबर मिलती है जिसका आपको रहता है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आज की खास खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहें। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आज पूरे प्रदेश के सभी जिले से शिक्षा मंत्र के सभी बंधु साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने भाषण दिया है। जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री से बात भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि प्रदेश के ऐसे मुखिया के प्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का देखिए क्या भाव है, मातृशक्ति के प्रति क्या इनका स्नेह है, क्या लगाव है, आपके सामने में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि राजू दास जी आपने गलत काम किया है, मेरे लिए आपने कुर्सी रखा है और मातृशक्ति को आपने नीचे बैठाया है, इसके नाते हम भी नीचे बैठेंगे, आप लोग भाग्यशाली हैं। हम आज क्योंकि भाई साहब का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है और ये हमारे नाते नहीं, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र के नाते भाई साहब ने कहा, जैसे मैंने कहा हम कहा ठीक है राजू दास जी चल रहे, क्योंकि बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है भाई साहब का। भाई साहब भोजन भी नहीं कर पाए और आप लोग के नाते तुरंत चल दिए, इसके नाते ज्यादा विलंब नहीं, और कई जगह कार्यक्रम में जाना है और बाकी का कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। इसके नाते पहले तो मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से की पुष्पांजलि करके जो आज हम लोग के मुखिया है, हम लोग के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर पुष्पांजलि करें। और माननीय जिला अध्यक्ष हुए, माननीय महानगर अध्यक्ष जी, माननीय मेयर साहब, सब लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं। पुष्पांजलि करने के बाद हम चाहेंगे जो हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष जी कहां गए, प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाएं, भाई साहब का वो चित्र और जल्दी से, क्योंकि समय एकदम नहीं है, दो मिनट भाई साहब दे रहे हैं हम लोग को, बस आप लोग पुष्प कुछ और जो है अंग वस्त्र लेकर। साथियों आपने देखा माननीय मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आश्वासन देते हुए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करूंगा, आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा, शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनसे बात करके आप लोगों की जो समस्या चली आ रही है कई वर्षों से जल्द से जल्द निस्तारण कराकर आपका जो भी उचित सम्मान है वो सम्मान किया जाएगा। हमारे शिक्षा मित्र और निदेशक भाई बहन जितने भी सभी शिक्षा विभाग में जो भी संविदा कर्मी शिक्षक तैनात हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा और ये काम जल्द चुनाव से पहले होने जा रहा है। ऐतिहासिक तारीख जल्द घोषित होगी, बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। धन्यवाद।